वेलकम बैक टू माइनी ब्लॉग। जय श्री राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे और हम सभी भी एकदम मस्त है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी भल्याणी स्कूल में थोड़ी देर में होने वाला यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम, और सांस्कृतिक प्रोग्राम में कुल्लू की झलक आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे नाट्य भी हो सकती है, समूह गान भी हो सकता है, सोलो सॉन्ग भी हो सकता है। तो फटाफट चलते हैं अगले वाले ग्राउंड में और आपको दिखाते हैं यहाँ की संस्कृति।
से प्यार किया हुआ था। और जहाँ तक बात है रायसन और तारा इंटरनेशनल स्कूल का, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी इन दोनों में मुझे लग रहा है मतलब काफ़ी कंपटीशन है। अब जजेज की जजमेंट क्या है वो देखने को मिलेगी, लास्ट में परिणाम क्या रहेगा। क्यों यस सर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड की तरफ और यहाँ पे काफ़ी शोर शराबा हो रहा है, यानी कि भाई यहाँ पे टूर्नामेंट चले हुए हैं और देखते हैं गेम्स वगैरह। Oh, my God.
फाइनली भाई हम वापिस जा रहे हैं अपने घर की ओर यानी के रायसन स्कूल की तरफ। और ये बच्चे हैं बेंची के, बेंची वहाँ पे एक गांव पड़ता है और कुछ बच्चे सिलीहार के हैं तो कुछ अगल बगल के जो गांव पड़ते हैं वहीं के हैं। तो अभी गाड़ी हमारी आ चुकी है, ये बंदा स्टिंग पी रहा है एनर्जी ड्रिंक और इस तरफ देखिए इनके हाथ में कुरकुरे, दिखा दो यार, सबके हाथ में कुरकुरे है यार। जंक फूड कम खाया करो, कैसे खाया जाता है आपको स्कूल में यार? क्या करना, फ्रूट नहीं है यहाँ पे भाई, फ्रूट सोते तो लेते हैं ना। yes, कोई बात नहीं, कभी कभार चलता है। क्यों खुश yes, हैं? Yes, फाइनली हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है और उस्ताद जी चेंज हो चुके हैं और बच्चे भी यहाँ पे बैठ चुके हैं। चलें फिर भाई। yes, sir! थोड़ी भाई खिड़की नहीं लग रही है प्रॉपर क्योंकि लॉक किसका ऊपर की तरफ आ चुका है। तो अभी हम भल्याणी से निकलने वाले हैं आगे की ओर। अभी ये जो सफर है और रोमांचक होने वाला है। तो भाई हमें मिल चुके हैं नए उस्ताद और अब देखते हैं कितने बजे हम पहुंचते हैं। और यहां से हम जा रहे हैं ठीक 5:20 पर। अब लगभग आधा घंटा तो हम लोगों को यहां से लगेगा और ज़्यादातर भाई यहाँ पे घोड़े का ज़्यादा काम है क्योंकि काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ तक रास्ता नहीं है तो घोड़े के ऊपर सारा सामान यहाँ से ले जाते हैं।